जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका डिवोशनल यात्रा के एक नई वीडियो में। आज हम आपको लेके चल रहे हैं नंदगांव और बरसाना, तो अंत तक पूरी वीडियो देखिएगा। अभी हम रंगीली गली से आए हैं अंदर। यहाँ पे राधा रानी के चरणों के निशान हैं। अभी दोपहर के 2:15 हो गए हैं और भीड़ देखिए कितनी ज्यादा है यहाँ पे। अभी हम हैं नंदगांव में और जा रहे हैं नंद बाबा के मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो चलिए चलते हैं, दर्शन कराते हैं आपको। हाँ, जब वो गोकुल छोड़ के नंद बाबा आ गए थे ना, तो यहाँ पे आके रहे थे वो, क्योंकि गोकुल छोड़ के इधर आए थे। हाँ, गोकुल में कंस का आतंक ज्यादा बढ़ गया था, तो ये नंदेश्वरी पहाड़ी बोलते हैं इसको। यहाँ पे गुफा थी प्राचीन काल, मतलब द्वापर युग में ये गुफा थी, उसमें पूरा मतलब आ गए थे सबको लेके, तो यहाँ पे धीरे धीरे वही बसाया था उन्होंने। अभी हम नंदगांव की गलियों से होते हुए जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो अभी हम मंदिर के पास पहुंचने वाले हैं और आज काफ़ी भीड़ है, शनिवार का दिन है, छुट्टी है, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है मंदिर में आज। यह है मंदिर की मार्केट। देखिए बहुत भीड़ है। अभी हम नंद महल में आ चुके हैं, तो चलिए अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं। ये है नंदगांव और नंद बाबा का महल। आ जाओ, राधे राधे, राधे राधे। ये नंद बाबा का महल, नंदगांव में जो मंदिर है उसी को बोला जाता है। तो यहाँ पे पहले नंदेश्वरी नाम की पहाड़ी थी जिसमें एक गुफा थी। जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण को नंद बाबा लेके आए थे यहाँ पे, तो इसी में रहा करते थे, और फिर धीरे धीरे ये नंदगांव बस गया। तो चलिए अभी दर्शन कराते हैं। ये है मेन मंदिर।
अभी हम आ गए हैं मंदिर के ऊपर और ये है माँ यशोदा की रसोई। यहाँ पे प्रसाद बनता है, भगवान का जो भोग लगाए जाते हैं, तो यहाँ अंदर जाना मना है। तो यहाँ सारी प्रसादी तैयार की जाती है भगवान के भोग के लिए। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और ये पूरे मंदिर की परिक्रमा का रास्ता है। तो सभी लोग दर्शनों के बाद यहाँ परिक्रमा करते हैं ऊपर, और ऊपर से चलिए आपको व्यू दिखाते हैं पूरे नंदगांव का। बहुत ही सुंदर व्यू आता है यहाँ पे। यह है मेन मंदिर, ऊपर से व्यू ऐसा आता है मेन मंदिर का। और अभी हम ऊपर से ही परिक्रमा कर रहे हैं मंदिर की, तो दर्शन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया आज, काफ़ी भीड़ है यहाँ मंदिर परिसर में आज। तो चलिए हम भी परिक्रमा करते हैं पूरी और नंदगांव का व्यू दिखाते हैं आपको। अभी हम नंदगांव के मंदिर के ऊपर हैं और ये पूरा नंदगांव का व्यू आ रहा है बहुत ही अच्छा। और ये देखिए यहाँ पे प्राचीन समय के भी घर हैं, काफ़ी पुराने पुराने जो पत्थरों से बने हुए हैं। ये नीचे देखिए, और ये पूरा नंदगांव है। दर्शन हो गए हमारे यहाँ से, तो चलिए राधा रानी के बरसाना चलते हैं और वहाँ दर्शन कराते हैं आपको। अभी हम रंगीली गली से आए हैं अंदर और राधा रानी के मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है आज, एकादशी का दिन है, तो बहुत सारे गांव वाले लोग भी आए हैं आज परिक्रमा कर रहे हैं, तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो गई है। पूरे बरसाना के व्यू आ रहे हैं यहाँ से। हम पहुँच गए मंदिर के गेट के पास, तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, तो चलिए अंदर। जय श्री राधे। कामधेनु गोपाल का है प्रकट स्थान है ये। अभी दर्शन करने आए हैं ब्रह्मा जी के, और उन्हीं के नाम से इस पर्वत का नाम है ब्रह्मांचल पर्वत। तो राधा रानी का महल है इसी पे। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं राधा रानी के चरणों के निशान गए। यहाँ पे राधा रानी के चरणों के निशान हैं। अभी दोपहर के 2:15 हो गए हैं और भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा है यहाँ पे, और 2 बजे मंदिर क्लोज हो जाएगा, तो पता नहीं अभी दर्शन हो पाएंगे या वेट करना पड़ेगा। और राधाष्टमी के दिन राधा रानी सफ़ेद छतरी में आके दर्शन देती हैं, तो देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। Thank you.
दो बज गए और मंदिर के कपाट बंद हो चुके हैं। देखिए पर्दा लग गया है, दर्शन हो गए हमारे और काफ़ी अच्छे दर्शन हुए। बहुत ज़्यादा भीड़ है, आज एकादशी है तो इसी वजह से मंदिर में भीड़ बहुत ज़्यादा है और पूरा मंदिर परिसर भरा पड़ा है। देखिए ये देखिए सब जगह भीड़ ही भीड़ है। अभी दर्शन करने के बाद चलिए यहाँ से चलते हैं बाहर की तरफ। कामधेनु गाय के दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे और मंदिर परिसर खाली हो रहा है धीरे धीरे। देखिए काफी ज्यादा भीड़ हो चुकी है यहाँ पे। अभी हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं और दर्शन बहुत ही अच्छे हुए। आज गीता जयंती भी है और एकादशी भी है तो दर्शन करके काफ़ी अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, दर्शन भी आराम से हो गए हमारे। तो चलिए यहाँ से चलते हैं। जय श्री राधे।